हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंडेंसेशन क्या होता है। जी हां, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड बाय कूलिंग। गैस या वेपर को ठंडा करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। जी हां, ये बिल्कुल बॉइलिंग यानी कि वेपोराइजेशन का रिवर्स है। बॉइलिंग में हम क्या करते हैं, वाटर को बॉइल करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट यानी कि वेपर्स या स्टीम में। ये प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग। और इसका एग्जैक्टली रिवर्स है कंडेंसेशन, जिसमें हम वेपर्स को वापस ठंडा करके लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। आइए इस प्रोसेस को समझते हैं इस एक्टिविटी की हेल्प से। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक बर्नर लिया, बर्नर पे हमने रख दी एक केटल। जी हां, वही केटल जिसमें चाय यानी कि टी भी बनाई जाती है। और इसमें डाल देते हैं हम वाटर। जब हम वाटर को बॉयल करते हैं, हम क्या देखते हैं कि केटल के स्पाउट में से गैस यानी कि वेपर्स निकलने लगते हैं। इन वेपर्स को हम फॉल करवाते हैं एक फ्राइंग पैन के बॉटम पर, जो कि काफी ठंडा है क्योंकि उसमें हमने डाल रखे हैं आइस क्यूब्स। आई रिपीट, हम लेते हैं बर्नर, वाटर को करते हैं हीट, वाटर बॉयल होता है और स्टीम यहां स्पाउट से बाहर निकलने लगती है। एंड दिस स्टीम इज मेड टू फॉल ऑन द बॉटम ऑफ दिस फ्राइंग पैन विच कंटेन्स आइस क्यूब्स, जिसमें आइस क्यूब्स हैं। तो होता क्या है, जैसे ही ये स्टीम इस कोल्ड सरफेस जो कि फ्राइंग पैन का बॉटम है पर फॉल होती है, स्टीम कंडेंस हो जाती है लिक्विड में। स्टीम यानी कि वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और वही लिक्विड हमने यहां पर एक ग्लास या बीकर में कलेक्ट कर लिया है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये हॉट स्टीम जब ठंडे सरफेस पर टच होती है तो कंडेंस हो जाती है लिक्विड में। सो वाटर ऑन बॉइलिंग इज चेंजिंग टू गैसियस स्टेट, जिसे हम बॉइलिंग कह रहे हैं या वेपराइजेशन कह रहे हैं। और जब ये स्टीम ठंडी की जाती है तो ये कंडेंस होकर के लिक्विड में वापस कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम कंडेंसेशन कह देते हैं। कंडेंसेशन इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग। आइए थोड़ा सा इसके पीछे की साइंस को जानने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, जैसे ही ये वेपर्स यानी कि ये गैस को हम काफी लो टेम्परेचर तक कूल करते हैं तो जो गैसियस पार्टिकल्स हैं दे लूज काइनेटिक एनर्जी और उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, पार्टिकल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे फॉर्म अ लिक्विड। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को आप लोग बहुत ही आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। तो आई होप आप घर पर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और मैं आपसे मिलती हूं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।